तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडर कवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गयी और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टेक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडरकवर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

उस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है तो दोस्तों बात करें, अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर, पर रिलीज़ नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फ़िल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दे इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टेक अंडरकवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर कवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पाँच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसेज अंडर कवर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक, एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वूमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है तो दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फ़िल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से पांच मिनट सात की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ परसेंट गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे एक अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडरकवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करे अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे सब पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गयी और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टेक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दे इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर कवर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच मिनट सात की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टेक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास की तरह जी रही है। दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फ़िल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडरकवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

की तरह जी रही है। दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों, बात करें, अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर कवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पाँच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आई एम रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका हफ्ते की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ परसेंट गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ़्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ परसेंट गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका हफ्ते की मिसिस अंडर कवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर कवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉश टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर एजेंट का काम छोड़ चुकी है और अब एक मिडिल क्लास वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें, अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ़्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडरकवर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच मिनट सात की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दे इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा के के थी और दोस्तों इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात फिल्म की तो राधिका अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छोड़ चुकी है और अब एक मिडिल की तरह जी रही है। दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है तो दोस्तों बात करें, अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर अंडरकवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडरकवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करे अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फ़िल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडरकवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करे अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ़्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फ़िल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका हफ्ते की मिसिस अंडर कवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टेक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडरकवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

उस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है तो दोस्तों बात करें, अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच मिनट सात की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फ़िल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दे इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडरकवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर कवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई एम रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छोड़ चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी, भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसेज अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक, एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वूमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है तो दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फ़िल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडरकवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करे अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से पांच मिनट सात की आईएमडीबी रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ परसेंट गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज़ नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हज़ार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे एक अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडरकवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको 10 साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी-फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एंबिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है तो दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहां और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दे इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच मिनट सात की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टेक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फ़िल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर कवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच मिनट साथ की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

की तरह जी रही है। दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें, अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर कवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पाँच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉश टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप टे अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर कवर एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आई एम रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका हफ्ते की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहेब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को 10 में से 5.7 की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ परसेंट गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे सब पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ़्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें यह फिल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच मिनट सात की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आपटे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो की एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आफ्टे की मिसिज अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर मूवी चौदह अप्रैल दो को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बता पाना मुश्किल होगा पर हम आपको बता सकते हैं इसको टोटल कितना स्ट्रीम किया गया था और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बजट के बारे में दोस्तों ये फिल्म पंद्रह करोड़ के बजट में बनी थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन हजार घंटों का वॉच टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे एक अंडर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब एजेंट का काम छूट चुकी है और अब एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फिल्म जी पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्तों क्या आप भी राधिका आप्टे की मिसिस अंडरकवर मूवी देखना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो आज हम आपको बताएंगे ये मूवी आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में तो वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी कैसी है तो दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी कि इस मूवी की कास्ट क्या है ये मूवी कब रिलीज हुई थी ये मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और भी अन्य जानकारी तो दोस्तों आपको बता दें मिसिस अंडर कवर मूवी 14 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई और दोस्तों इस फिल्म में आपको राधिका आप्टे सुमित व्यास अमृता चतरोपाध्याय साहिब चतर्जी राजेश शर्मा रोशनी भट्टाचार्य जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों इस फिल्म में राधिका आप्टे राजेश शर्मा और सुमित व्यास मेन किरदार निभा रहे हैं दोस्तों बात करें इस फिल्म की आई रेटिंग की तो इस फिल्म को दस में से पांच की आई रेटिंग मिली है साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को उनसठ गूगल यूजर्स ने पसंद किया है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और बजट की तो दोस्तों हम आपको बता दें इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किया गया था तो इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा थी और दोस्तों इसको टोटल इक्यावन घंटों का वॉश टाइम देखने को मिला है तो दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी की तो राधिका आप्टे अंडर कवर एजेंट का रोल निभाती है जो कि अब अंडर एजेंट का काम छोड़ चुकी है और अब एक मिडिल क्लास वाइफ की तरह जी रही है दोस्तों उनको दस साल बाद में एक मिशन असाइन किया जाता है अब वो कैसे अपनी टूटी फूटी स्किल्स के साथ एक सीरियल कलर को पकड़ेगी जो कि एम्बिशियस वुमन को टारगेट कर रहा है तो दोस्तों ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है दोस्तों बात करें, अब इस फिल्म को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं वो भी बिल्कुल फ़्री में तो हम आपको बता दें अभी तक इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया है पर जब भी रिलीज़ किया जाएगा तो हम मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूँगा पर दोस्तों आपकी खुशखबरी के लिए ये बता दें ये फ़िल्म जी फाइव पर रिलीज़ कर दी गई है आप वहाँ जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में